आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। तिरंगे में लिपटे बीएसएफ जवान का शव पहुंचा सिवान, गांव में पसरा सन्नाटा। तिरंगे में लिपटे हुए बीएसएफ जवान का शव जैसे ही सिवान पहुंचा कि लोगों की आंखें नम हो गईं। जम्मू कश्मीर के सीमा पर तैनात बीएसएफ जवान वीरेंद्र मांझी का शव उनके पैतृक गांव मगडियार पहुंचा तो ग्रामीणों और परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। जवान के पार्थिव शरीर को एक झलक देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बताया जाता है कि लंबी बीमारी के बाद बीएसएफ के जवान वीरेंद्र मांझी की मौत ड्यूटी के दौरान हो गई। वीरेंद्र मांझी जम्मू कश्मीर में तैनात थे। तिरंगे में लिपटा जवान का शव जब सिवान के मगडियार गांव पहुंचा तो पूरा गांव शोक में डूब गया। मृतक बीएसएफ जवान के सम्मान में बीएसएफ के तमाम अधिकारी और बीएसएफ के जवान भी जवान के अंतिम दाह संस्कार तक मौजूद रहे। शव के अंतिम यात्रा के दौरान मृतक जवान को गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। मृतक जवान को देखने और उनके शव यात्रा में शामिल होने के लिए सिवान के राजनीतिक दल के नेताओं सहित कई समाज सेवी भी मौजूद थे। श्रीनिवास यादव भी शव यात्रा में शामिल हुए। जवान को पूरी राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इनके आश्रितों में किन्हीं एक को नौकरी दी जाए। मृतक जवान अपने घर में इकलौते कमाने वाले थे। इन्होंने बीमारी के बावजूद भी देश की सेवा करते हुए इनकी मौत हो गई। आज जम्मू कश्मीर में वीरेंद्र मांझी ड्यूटी में थे, जो धनौती ओपी थाना के मकड़ियार गांव के थे। उन्होंने इस परिस्थिति में तबीयत खराब था साल भर से, उसके बावजूद भी सरकार के नियम के कानून के तहत ड्यूटी कर रहे थे, और ड्यूटी करत में उनका तबीयत अचानक बहुत जो खराब हुआ, जिसे वो दम घुट गए। निश्चित तौर पर उनको सलाम करते हैं, उनके कर्तव्य निष्ठा को हम सलाम करते हैं कि ऐसी परिस्थिति में तबीयत खराब होते हुए भी उन्होंने ड्यूटी करने का काम किया, वो अमर रहेंगे निश्चित तौर पर। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जो नियम कानून बनता है, जो ड्यूटी पीरियड में व्यक्ति शहीद हो जाते हैं उनको जो सुविधा मिलना चाहिए, परिवार को अगर नौकरी मिलना चाहिए, और जो बने वो सरकार उनको परिवार को भरपाई करने का काम करे, ताकि वो व्यक्ति तो लौट नहीं आ पाएंगे। ताकि जो नियम कानून है उसके तहत जो सुख सुविधा मिलता है वो देने का काम करें, यही मेरे भारत सरकार से मांग है। सिवान से रवि गुप्ता, आरपी भारत।